Hey everyone, this is Utkarsh. And this is Tanmay. And welcome to Hello World, where we talk about stuff that runs the world. और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड आप सबके लिए लेके आए हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे जियो और एयरटेल की लेटेस्ट वियो वाईफाई कॉलिंग के बारे में और सैमसंग के आर्टिफिशियल ह्यूमन बींग्स. दैट्स राइट, आपने सही सुना है, आर्टिफिशियल ह्यूमन बींग्स के बारे में हम बात करेंगे. तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आई रिक्वेस्ट यू ऑल. तो हम स्टार्ट करते हैं जियो एंड एयरटेल की वियो वाईफाई कॉलिंग. यस, सो इनिशियली अभी हमारा वॉइस ओवर इंटरनेट चल रहा है जियो और एयरटेल का, जो प्रीवियसली चलता आ रहा था, इसीलिए आवाज़ एकदम से बहुत क्लियर हो गई थी हमारे सेलुलर कॉलिंग में. क्योंकि असल में ये सेलुलर कॉलिंग नहीं थी, ये इंटरनेट कॉलिंग ही थी, बट हमें लगता था कि वो सेलुलर है. तो बेसिकली वियो वाईफाई कॉलिंग क्या होती है उसका मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ. बेसिकली व्हाट्सएप कॉल जो होती है वो इंटरनेट के थ्रू होती है. वियो वाईफाई कॉलिंग भी काफ़ी हद तक व्हाट्सएप कॉलिंग की ही तरह है, बट वियो वाईफाई में जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है वो थोड़ी और लेटेस्ट है. तो इससे जो आपको स्मूदनेस मिलेगी वॉइस क्वालिटी की वो कुछ ज़्यादा होगी, प्लस आपका डेटा यूसेज भी इससे कम होगा. जहाँ पे नेटवर्क कवरेज जो है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, वहाँ पे वियो वाईफाई कॉलिंग काम आएगी. यस, जितनी स्मूथ आपको हमारी आवाज़ लगती है हमारे इस गजब के चैनल पे, उतनी ही स्मूथ आवाज़ आपको लगेगी विद दिस न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय जियो एंड एयरटेल. सो लेट्स होप कि ये अच्छी जाए. मूविंग ऑन टू द सेकंड टॉपिक, वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल ह्यूमंस जो कि सैमसंग ने अभी बनाए हैं. CES 2020 में जो एक हमारी सब्सिडरी है सैमसंग की कॉल्ड स्टार लैब्स, उनने अपने डिजिटल अवतार्स को थोड़ा सा स्नीक पीक उनकी दी थी, जो कि बेसिकली हमारे वर्चुअल ह्यूमन AIs हैं जो कि आपकी कई डिफरेंट टास्क में हेल्प कर सकते हैं. ये जो रन करते हैं जिस प्लेटफॉर्म पे, उस प्लेटफॉर्म का नाम है Core R3, और ये प्लेटफॉर्म एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो इनको रियल टाइम में जवाब देने लायक बनाती है. Yes. तो आपको समझा दें कि नियॉन होता क्या है. सो एक नियॉन एक आर्टिफिशियल इंसान है जो इंसानों की तरह बात कर सकता है, इंसानों की तरह बिहेव कर सकता है, एंड इवन इमोशंस मिमिक कर सकता है. वो रो सकता है, हंस भी सकता है, आपके साथ एक असली इंसान की तरह बात कर सकता है. दैट इज अ वेरी स्केरी लेवल ऑफ सिमिलैरिटी इन माय ओपिनियन. यहाँ पर थोड़ा सा हमारे ओपिनियंस डिफर कर सकते हैं, बिकॉज मैं AI का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ. आई गेस थोड़ा सा एलोन मस्क से इन्फ्लुएंस होके तन में थोड़ा सा आई गेस ऑपोजिट है मेरे. हाँ, सॉर्ट ऑफ. बट व्हाट आई बिलीव इज जो Core i3 एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है स्टार लैब्स का, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन रीएनिमेशन टेक्निक्स यूज कर रहा है बेसिकली. एंड यार AI तो सिरी भी है, AI तो गूगल असिस्टेंट भी है. हाँ, बट एक चीज, एक पॉइंट है जो ये तुमने बोला, तो इस पे मैं एक पॉइंट कॉन्ट्रडिक्ट तुम्हें करना चाहूंगा. नियॉन्स काफी अलग हैं बाकी AI असिस्टेंट से, जैसे कि गूगल AI या गूगल का असिस्टेंट या फिर सिरी हो गया एप्पल का. बिकॉज इनका काम असली ह्यूमन को मिमिक करना है, मतलब दे'ल हैव अ पर्सनैलिटी ऑफ देयर ओन. And yes. in Samsung's words, they'll have a job of their own. Like ये कोई एक टीचर हो सकते हैं, या फिर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकते हैं, या फिर कोई इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं. बट द फनी थिंग इज कि Samsung claims that they are not here to replace humans. Yes, सैमसंग ने क्लियरली ये कहा था, स्टार लैब्स ने आई वुड से क्लियरली ये कहा था कि इनमें एक सेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस होगा या फिर लॉजिकल एबिलिटीज होंगी. जो कि AI का मतलब ही है कि आप अपनी सराउंडिंग के बारे में, इमोशंस के बारे में अवेयर हो, etc. सो आई डोंट थिंक दैट इज स्केरी. मेरे ख्याल से तो आपको एक बिल्कुल, मतलब एक बहुत ही ज्यादा हाइब्रिड फॉर्म ऑफ गूगल असिस्टेंट या सिरी मिल जाएगा टू यू नो डू योर जॉब, या फिर टू इंटरैक्ट विद, या फिर जिससे आप एडवाइस ले सको. हाँ, आई एग्री. सो आई डोंट थिंक दैट इज स्केरी. No, but the I was just pointing on the level of the similarity. Okay. I was not talking about the टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्नोलॉजी. तो जितनी ज्यादा डेवलप होगी उतनी ज्यादा वर्ल्ड की हेल्प होगी. सिमिलर टू गूगल ड्यूप्लेक्स जो कि काफी ज्यादा ह्यूमन लाइक हमारे एनोटेशंस एंड वॉइस मॉड्यूलेशन से बात करता था, जो कि थोड़ा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्रीपी हो जा रहा था. सो आई वुड से दैट इज क्रीपी रादर देन बीइंग स्केरी. एग्जैक्टली. सो CES की बात की जाए, वी कांट टॉक अबाउट CES. CES में नियॉन्स की स्क्रीन्स लगी हुई थी, जिसमें विजिटर्स आके नियॉन से इंटरेक्ट कर सकते थे और उनसे बात कर सकते थे. तो काफी लोगों के इंटरव्यूज होंगे, तो कुछ इमेजेस और वीडियोज आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे. Yes. ये चीज आप देखिए. एंड फन फैक्ट, असल में ये जितने भी इमेजेस सब आपको गुमराह कर रही है, बिकॉज जितने भी लीक्ड वीडियोज और टीजर इमेजेस हैं सब फेक हैं.
ये सब कुछ फेक है। अगर आपको CES के अलावा कोई और वीडियो दिखता है तो वो फेक है, जो कि सिर्फ सिमुलेटेड है हमारे इलस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए। वेयर एज CES 2020 में असली में इस टेक्नोलॉजी का डेमो दिया गया। तो जो कि जो सैमसंग स्टार लैब्स के हेड हैं प्रणव मिस्त्री, उन्होंने बताया है CES अपनी CES प्रेजेंटेशन में कि ये केवल स्टार्ट है इस टेक्नोलॉजी का और इसमें आगे भी बहुत सारे एडवांसेस बाकी हैं। तो बेसिकली इंडस्ट्री लेवल अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं बनी है, बट टू थिंक कि हाँ एक्चुअल इंटेलिजेंट वर्चुअल ह्यूमंस दुनिया में आ सकते हैं वो भी कुछ ही सालों में। दैट्स वेरी क्रेजी टू थिंक अबाउट। डेफिनेटली आई गेस यहाँ पर अगर जॉब एस्पेक्ट की बात करें तो आई डोंट थिंक किसी का जॉब लॉस वगैरह कुछ होगा एज पीपल ट्राई टू रिलेटेड विद AI के एडवांसमेंट। बट आई एग्री विद दिस कि हमारा कुछ एडवाइस है, जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड ये जो हम नॉर्मली जिनको अप्रोच नहीं कर पाते हैं इफ़ वी आर ऑन अ बजट, वो हमें काफ़ी चीप में प्रोवाइड होगा जस्ट बाई यूजिंग दिस AI। एग्जैक्टली, एज इन द वर्ड्स ऑफ सैमसंग, दे आर नॉट हेयर टू रिप्लेस ह्यूमंस, दे आर जस्ट हेयर टू हेल्प द इंडस्ट्रियल नीड्स ऑफ द ह्यूमंस। यस डेफिनेटली। सो अब एक और न्यूज़ के बारे में बात करी जाए तो ये थोड़ी एक पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट की तरह है। अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र में एक 25 साल का लड़का जो कि पबजी मोबाइल खेलते हुए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट दी है दैट हैज स्टेटेड इंट्रा सेरिब्रल ब्लीडिंग एज द कॉज ऑफ डेथ, यानी कि दिमाग की नसें फट जाना। इन कॉमन टर्म्स वी नो इट एज ब्रेन हैमरेज। यस एग्जैक्टली। ये न्यूज़ सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, शॉक भी लगता है। दोस्तों आज सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी काम रिस्पॉन्सिबली करा करिए, क्योंकि ये वर्चुअल दुनिया काफ़ी हद तक रियल वर्ल्ड को इफेक्ट कर रही है। एग्रीड, आधे से ज़्यादा काम ऑनलाइन हो रहा है, सो वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट हाउ मच वी कंज्यूम द डिजिटल मीडिया एंड हाउ वी कंज्यूम द डिजिटल मीडिया। देयर शुड बी अ लिमिट। ट्रू। सो इसी के साथ ये एपिसोड रैप करते हैं। हमारा एम है आपको इन्फॉर्म्ड रखना एंड आप लोगों तक ऐसी ही थॉट प्रोवोकिंग एंड इंटरेस्टिंग चीज़ें पहुँचाते रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू आवर पॉडकास्ट। अंटिल नेक्स्ट टाइम।